मुखर्जी थाना क्षेत्र के पकड़ी में बुधवार की रात चाकू मारकर भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। उनकी पहचान रणजीत सिंह उर्फ जॉन के रूप में हुई है। वो पकड़ी चौक पर जिम सेंटर भी चलाते थे। उनकी मां पूर्व वार्ड सदस्य है। घटना के बाद इलाके में दो पक्षों के बीच तनाव व्याप्त हो गया। घटना को लेकर शरारती तत्वों ने आरोपित के घर में तोड़फोड़ कर बवाल किया और उसके बाद आग लगा दी। सूचना पर करजा थाने की तमाम फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन अनियंत्रित स्थिति देखकर एसएसपी जयंत कांत, एसपी सिटी राजेश कुमार व एसडीपीओ राजेश शर्मा समेत कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस अधिकारियों द्वारा उग्र लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की गई। एहतियात के तौर पर पुलिस को गांव में तैनात कर दिया गया। एसएसपी के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है। बताया गया कि बुधवार की रात पड़ोस के रिंकू से मामूली बात पर मृतक के भाई अमर कुमार का विवाद हुआ था। इस पर उसके साथ मारपीट की गई। भाई को पीटते देख बचाव करने आए अमर के बड़े भाई जॉन को रिंकू ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में उन्हें बेरिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके मरने की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोग उग्र हो गए और आरोपित के घर पे हमला कर दिया। घर पे तोड़फोड़ की गई, घर की गाड़ियां तोड़ी गई और उसके बाद घर में आग लगा दी। घटना के बाद लोगों के उग्र रवैये को देखकर आरोपित के घर के लोग दूसरे स्थान पर छुप गए। आरोपित युवक भी फरार हो गया। बताया गया कि आरोपी युवक मुंबई में रहता है। करीब 15 साल बाद अपने घर आया था। उसकी मां की मृत्यु हुई थी, उसी में वह 2 महीने पहले घर आया था। करजा थाना अध्यक्ष के अनुसार चाकू से जख्मी युवक की मौत हो गई है। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थिति नियंत्रण में है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार के बयान पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।